फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं उठ चुकी हूँ और आज मैं कुछ अच्छा सोच रही हूँ। क्या सोच रही हूँ मैं बताऊँ? आज मैं जल्दी जल्दी नहाऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है। तो एक कारण ये भी हो सकता है, आजकल मैं बहुत जल्दी जल्दी नहा रही हूँ तो सर्दी हो जाती है ना रेगुलर, इतना जल्दी नहाने में आता नहीं है। और ठंड भी अभी जोरदार चालू हो गई है, इसलिए तो आज थोड़ा सा लेट नहाएंगे। आज घर के काम थोड़े कर लेंगे फिर नहाएंगे। मैं हो चुकी हूँ रेडी और गला वगैरह दर्द हो रहा है, सर्दी जुकाम जैसा लग रहा है। सुबह से तो खांसी आ रही है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी बना देते हैं खाना। और खाना बन गया है, इधर बन रही है आलू की सब्ज़ी जो कि मम्मी ने अभी फ्राई की है। और ये है पत्ता गोभी की सब्ज़ी और चावल इसके अंदर है और ये रोटियाँ। तो सब्ज़ी जब तक पक रही है थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर खाना खाना है तो खाना वगैरह खा लेंगे और फिर चलना है शॉप पर। शॉप पर जाकर सब आज दिमाग लगाना है यार। खाना है रेडी, खाना कंप्लीट खा लूँ फिर चलते हैं शॉप पर। बनता है आज तो जोरदार लग रहा है जी को। आज तो नया टी शर्ट पहना है नहीं चाहिए नए अच्छे दिखते हैं उन लोग। पकड़ो, मैं नहीं आ रही, मैं जा रही हूँ। शॉप पर आ गए थे तो शॉप पर कर रहे थे काम और अभी हम वापस जा रहे हैं घर पर। शिवानी दीदी को एक ज्वेलरी का पार्सल देना है तो शॉप पर घर पर जाके इनको एक ज्वेलरी दे देते। और ये आज मुंह नहीं दिखाने वाले, मैं डायरेक्ट शादी के ब्लॉग्स में मुँह रिवील करूँगी। सही बात। तो चलिए चलते हैं घर पर। बाहर इतना अंधेरा कैसे हो गया अचानक? तो 5 बज गई ना। कितनी? 5 बज गई? आज गिरा ना मतलब? उसके बाद तो बहुत बार बैठ गए हो आप। हाँ। भाई सफाई हो रही है अभी, यहाँ पर शादी की तैयारियाँ हो रही है इसलिए। ओ सुरेश भैया, ओ सुरेश भैया, ये है ना लैला को बोलना इधर आए नहीं, अभी एकदम भागी थी पीछे। आ जाओ दीदी। हाँ, हाँ। एकदम पीछे भाग गई थी। हाँ, अरे एक ब्लाउज वाली थैली नहीं लाई थी वो दे दे उसको। तो अभी तो क्या है ना, शिवानी दीदी गए और मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं फेशियल करवा देती हूँ। मेरे को वैसे शादियों में टाइम नहीं मिलने वाला है तो अभी करवा रही हूँ मैं मेरा फेशियल। किस्मत नहीं है अपने खुद के काम करवाने से पहले कस्टमर्स के कॉल आ जाते हैं, मैं आ जाऊँ तो ठीक है। अभी आ रही है कस्टमर तो हेयर कट कर देंगे और फिर अपना काम करेंगे। अभी क्या हेयर कट देख लो क्या हाल है। और हमारा भी हाल देख, हमारा भी हाल देख लो, थक हार के हाल है। कल था खाल के और मेरे फेशियल करना था, फेशियल रह गया, आप कल करेंगे। कल भी अर्ली मॉर्निंग आना है मुझे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है मेरा मेकअप। देख लो हालत। अभी हूँ मैं शॉप पर अकेली, ज्योति भी गई, हैप्पी भैया भी गए और अपन है खुद के साथ समय बिताने के लिए एकदम फ्री। तो बस अब बैठे हैं थोड़ी देर यहाँ पर, फोन वोन चलाते हैं, यूट्यूब पे रिप्लाईज देते हैं आपके कमेंट के। चिकू फाइनली आ गए हैं 7:18 पर, लेने आए हो? छोड़ने आए हो? मेरे को छोड़ दोगे तुम? लॉक हो गए पीछे? आज वापस अच्छे दिख रहे हो, ज्यादा एक्टिव नहीं हो, शेयर ही मत मार रहे थे। भाई मार दो इसकी टिपा है। किटपा है? किसे बोल रहे हो? किटपा है? हो गया सब? हां मेरे को कुछ नया टेस्टिंग करना था। हाँ तुमको तो करना ही होगा, तुम कहाँ टेस्टिंग करे भी चलेंगे। अभी चिकू ये शैम्पू कंडीशनर घर ले जा रहे हैं, ये वाला ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का, ये इसका है कॉफ़ी, टेस्ट करने के लिए सही है। अगर ये जमा तो फिर ये वाला शैम्पू परचेज करेंगे। बाकी चिकू अभी यूज़ कर रहे थे, कौन सा कर रहे हो वो वाला बताओ ना। मैं ये वाला डेंड्रफ के लिए, डेंड्रफ खत्म हो गई, दूसरा यूज़। अच्छा ये इससे पहले जी को ये वाला यूज़ कर रहे थे ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का, ऑर्गेनिक एंटी डेंड्रफ शैम्पू। ये मैंगो मैंगो कैसे होंगे? मैंगो आई डोंट नो, मैं मैंगो भी चल रहा है, मैंगो 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 खाना मुझे नाश्ते में। हाँ। जूस पी लेना ना। जूस पीऊंगा जुकाम तो नहीं है। ये भी ध्यान रखा करो।
सब हो गया अंदर ही। तो क्या निकाल दो को लाई वाला नहीं पसंद है यार। आटा वगैरह बांध दिया है तो मैंने सोचा क्यों ना चिकू के पैर काफ़ी ड्राई हो गए और काफ़ी डेड स्किन जम गई है, बहुत गंदे हो, तो मैं इनको क्लीन कर देती हूँ। तो ये मेरे पास है डेड स्किन निकालने का औजार, तो इससे मैं अभी क्लीन कर दूँगी ताकि फुट क्रीम लगाऊँगी तो फटाक से वर्क हो जाएगा। ये यूज़ करने बैठी थी फिर मैंने सोचा यार पैरों की हो रही है छिलाई तो इसको ओपन कर देते हैं एंटीसेप्टिक अच्छे से ताकि कोई भी जम्स हो वो ख़त्म हो जाए। तो मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ यार्डले का आफ्टर शेव। ये स्प्रे वाला है अभी मैंने चिकू के फुट अच्छे से स्क्रब कर दिया, स्क्रब तो क्या कर दिया छील दिए, स्क्रब तो अलग हो जाता है, ये हो जाता है छीलना। और ये इतना सारा डेड निकला है मेरे कपड़ों पे ही गिरा, इसलिए मैं बता नहीं सकती थी, अखबार लेके बैठती तो शायद सही रहता, पर कोई बात नहीं झाड़ू लग जाएगा सुबह। और अभी तो मैंने चिकू के सिर्फ पैरों को अच्छे से छील दिया है, सुबह चिकू अच्छे से पैर साफ़ कर देंगे और फिर उनके पैरों में अच्छे से फुट क्रीम लगा के मिशेल वाली और सॉक्स पहना देंगे तो पैर इनके सही हो जाएंगे। और रात को भी ऐसे ही करेंगे, अगर इसी तरीके से पैर पूरा दिन अच्छे से रहे, इन्होंने रखे इस बिगड़ सॉक्स निकाले हुए, रात को अच्छे से क्रीम लगा के सो जाएंगे तो पैर सही हो जाएंगे दो दिन में। तो अभी मैं खाना तो बन गया है, बेसन बनी है और अभी आटा बांध के आई हूँ, रोटी बना देती हूँ। अभी यहाँ पर हो रहा है व्लॉग एडिट जो कि आप अभी देख रहे हो, और ये हमारा खाना पापड़ पूड़ी और बेसन जो कि मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है, गर्मा गर्म अच्छा लगता है, पर रोटियां बना रही थी तो ठंडा हो गया, कोई बात नहीं खा लेती हूँ फटाफट से और फिर आप लोगों से बाय बोल देंगे। मैं रात को ऐसे नैसे ही सो गई, मैंने व्लॉग एंड किया ही नहीं और मेरे को नींद भी आ गई थी इसलिए। तो यहाँ तक देखने के बाद ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलता है कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय। और ये ब्लॉग मैं कर रही हूँ ऑफ और दूसरा कर रही हूँ ब्लॉग ऑन।